Ya boleh. Ya boleh. Ya boleh. Ya boleh. Ya boleh. Ya boleh. तो गाइस कैसे हो। तो भाई अपने जा रहे हैं आज काकरिया, यानी कि काकरिया के पास ही खड़े हैं। काकरिया आ गए हम और ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप। तो आज मैं आपको काकरिया बताने वाला हूँ और पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ और काकरिया में क्या क्या देखने लायक हो सब जगह बताने वाला हूँ। जो मेरे से बन सका तब तक मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए गाइस चलते हैं, आपको काकरिया दिखाता हूँ गाइस। काकरिया के गेट से अंदर प्रवेशने की टिकट पर पर्सन 13 रुपये की है, जो हमने अभी भुगतान कर दी है और हमने दे दी है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद। तो गाइज अभी हम आ गए हैं काकरिया की हमने एंट्री ले ली अंदर गाइज। तो अभी हम जाएंगे काकरिया के जू के इलाके में, जो आपको मैं दिखाऊंगा काकरिया का जू कैसा है गाइज। तो वहां पे जाएंगे अभी अंदर, फिर बाद में आपको दिखाऊंगा मैं काकरिया। शायद ये वीडियो के दो पार्ट होंगे गाइज, तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है। अगर आप काकरिया से आ चुके हो काकरिया तो भी वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा और थोड़ी हमारे साथ भी मस्ती हम भी करेंगे बहुत मस्त। और नहीं देखा जिसने काकरिया अहमदाबाद में, तो गाइज ये वीडियो बहुत अच्छा मिलेगा आपको, देखने को भी मिलेगा पूरा काकरिया। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में फटाफट से बूम। ये तीनों भाई मेरे, दोनों भाई मेरे एक मैं भाई, तो हम तीनों जा रहे हैं अंदर वहाँ पे भाई। और अभी यहाँ पे ट्रेन खड़ी है ये आप देख सकते हो। तो हम जू के आने के बाद फिर हम वापस ट्रेन में बैठेंगे और फिर आपको पूरा घुमाएंगे काकरिया। और बाकी भी और कुछ है देखने लायक वहाँ पे, तो बहुत कुछ है यहाँ पे, तो दिखाऊंगा मैं जल्दी से। चलते पहले जू में। और हमने 50-50 रुपए की टिकट ले लिया तीन, और पूरा जू देखने की टिकट है। बाकी अभी जाएंगे अपने प्रवेश करेंगे अंदर। पूरा है चलिए, तो आपको पूरा जू घुमाता हूँ मैं यहाँ पे। वेरी गुड, कितने मस्त है यार ये। भाई 5-6 तो प्रजाति मंकी की है, सब 5-6 जात मंकी की पूरी प्रजाति है। और यहाँ पे यहाँ से लेके पूरे तक शुरुआत हमने मंकी से की है मंकी तो वहाँ से शुरुआत की है अपने यहाँ पे। अभी यहाँ पे भी देखिए मंकी का ढेर है, ये भाई हमारा शूटिंग कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे पूरा ये जू मेरे पास, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो पूरा। और इस तरफ पूरे जो है जंगल में जो प्राणी है होते हैं वो सब यहाँ पे है, प्राणी है या फिर पशु पक्षी है कुछ भी हो यहाँ पे सब है यहाँ पे। यानी कि मगर का अभी यहाँ पे ये है, मगर के 4-5 पूरे बनाए हुए हैं। गर्मी के कारण सब बेचारे अंदर जाके छुप गए, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे अलग अलग। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हिरन दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, देखिए बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। तो गाइस अभी चलते हैं हम सिंह को देखने के लिए फटाफट से।
यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिलेगा हमको सी देखने के लिए, तो आपको दिखाते हैं हम। आवाज देखिए भाई, आवाज अब वो देखो है ना, उसका खाना खाएगा, देखिए छोड़ के ब्रेकफास्ट है एक्चुअली। यहाँ अगर सब शेर बाहर आ गए तो सब लोग अंदर चले जाएंगे। ये घूम रही है, एक और यहाँ पे अंदर बाहर घूम रहा है। सीन बता दो आपको मैं। देखिए भाई कितना मजा आता है इन सब लोगों को देखने का, लेकिन पिंजरे के अंदर। गर्मी इतनी है लेकिन भीड़, यहाँ पे लोगों की भीड़ भी बहुत सारी है, तो भी हाथ तो कम है, लेकिन बाकी आप सीजन में आओ तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती है, इतनी सारी भीड़ होती है शेरों को, उन लोगों को देखने के लिए। चलिए अभी टाइगर को देखने के लिए चलते हैं यहाँ पे, ये देखिए। चलिए अभी टाइगर को देखते हैं, टाइगर बाघ अंदर बैठे हैं सब। बाकी जब बाहर हो और घूम रहा हो तो देखने की क्या मजा आती है यार, बस मजा आ जाती है। देखते हैं अभी यहाँ पे बहुत सारे बाघ और बहुत सारे हैं, कम से कम 20-15 तो होंगे इधर, है ना, आगे एक है, ये शायद बाहर घूमे तो मजा आ जाए। उसकी आपने आवाज देखी थी यार, माय गॉड, पूरा गूंज रहा था जो वो दांत रखाता था, अगर वहां से छूट जाए ना तो एक भी जन बाहर ना खड़ा था, सब सबकी वाट लग जाए। ये रहा एक, चलिए वहां से बताता हूँ, एक यहाँ पे भी है और एक वहां पे भी है, दोनों में बताता हूँ आपको। चलिए फटाफट शायद बाहर आ जाए, अभी तो दिख रहा है बाहर, मजा आ रही है गाइस। कितने बड़े होते हैं यार ये टाइगर, देखिए यहाँ पे भीड़ तो देखने के लिए, व्हाइट टाइगर, ये देखिए व्हाइट टाइगर लाइव। कैसे घूम रहा है एकदम, थोड़ा भी पिंजरा खुल जाए तो फट गया, यहाँ से लोग गायब हो जाए तुरंत। देखिए इनकी चाल, देखिए खाली पंजा इनका कितना बड़ा होगा। बस क्या चाल है इसकी, मतलब कितना बड़ा है यार, इसका वजन कितना होगा ये भी वहाँ पे लिखा होगा शायद, हमने पढ़ा था। बाकी एक इंसान से तो इतना तो इसका शरीर खाली लंबाई में है, बाकी पौड़ाई में तो कितना हैवी होगा, इसका एक पंजा पड़ जाए तो। अभी कोई सीजन नहीं है और आज खाली संडे है, तो भी यहाँ पे पब्लिक बहुत सारी है, मतलब अहमदाबाद में ये काकरिया जो है, अगर आपने नहीं देखा तो अहमदाबाद में कुछ भी नहीं देखा समझ लो, तो यहाँ पे एक बार तो आना ही चाहिए जू देखने के लिए तो खास।
भाई यहाँ पे आती भी है, आती भी है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, हाथी को बेचारे को बांध के रखा है वो भी। अगर हाथी को तो खुला भी रखो तो भी टेंशन नहीं है, सांकड़ वाकड़ बांध के रखा, मतलब हाथी में बहुत ताकत होती है भाई, बहुत ताकत, तेरे भाई की जैसे। सीरियसली नहीं लेने का हो? हिरन देखिए, अभी हिरन अगर आप चलते चलते थक गए हो तो यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है, तो आप बैठ भी सकते हो यहाँ पे। गाइस तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर बार पानी होता है, लेकिन अभी हम इस बार आए थे सूख गया है, बाकी यहाँ पे मस्त पानी और ठंडक वातावरण होता है, लेकिन इस बार हम आए तो सूख गया पूरा। आप देखिए यहाँ पे शायद लोग यहाँ पे अभी कम आते इसलिए, क्योंकि अभी सीजन नहीं है, सीजन होती है उस टाइम पे लोग यहाँ पे बहुत सारे आते। मजा ना अंकल, तू काका मजा मान। चलिए भाई अभी चलते हैं हम वापिस, जू से बाहर निकले और आपको दिखाता हूँ काकरिया। अभी हम काकरिया में जो है, यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे अजगर का भी पूरा है, बूम बूम। चलिए यहाँ भी चलते हैं। चलिए अपने चलते हैं बाहर, जू पूरा घूम लिया अपने ने, तो अभी चलेंगे अपने बाहर यहाँ से, तो फटाफट से चलिए गाइस, बहुत देर हो गई है, अभी 1 बज गए अपने, सुबह आए थे यहाँ पे 11 बजे गाइस, तो चलिए फटाफट से चलते हैं, बहुत इतनी सारी भीड़ नहीं है गाइस, लेकिन चलता है।